नमस्कार, प्रवासियों की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम मालपुए बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और इसे हम बिना फ्राई किए बनाएंगे। प्रवासियों की डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 ग्लास दूध, 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है, 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है। जितना मैंने आटा लिया है उसका 1/3 भाग मैंने चीनी का लिया है, आप देख सकते हैं। 2 चम्मच हमने खोया लिया है। हमें मालपुआ बनाना है तो उसके अंदर कुछ माल डालना तो ज़रूरी है, तभी ये स्वादिष्ट बनेगा। और उसके अंदर डालने के लिए हमने 6 से 7 इलायची को पीस करके उसका पाउडर बना लिया है। और इसके अंदर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और मैंने सूखी गरी को ग्रेट करके डाल दिया है और चिरौंजी लिया है। तो इस तरीके से मैंने 1/2 कटोरी या 2 बड़े चम्मच मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट करके ड्राई फ्रूट्स को ले लिया है। तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस पर 1 बड़ा बर्तन रख दिया है, आप इस तरीके से कोई भगोना ले सकते हैं या पैन ले सकते हैं। और उसके अंदर हम 1 ग्लास दूध डाल देंगे। मैंने गैस पर भगोने को रखा है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब इसके साथ ही इसमें हमें चीनी डाल देंगे, चीनी हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। इसे हमें अच्छी तरीके से गला लेना है और इसके साथ ही इसमें ये मावा भी डाल देंगे हम। अगर आपको पसंद हो तभी डालिए। तो इसी तरीके से हल्का सा हिलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। दूध हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और चीनी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। दूध हमारा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम ये मैदा डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे में या सिर्फ मैदे में भी ये पुआ बना सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से फेंटना है जिससे इसमें लम्स ना रह जाए। इसकी सारी गुठलियाँ हमें अच्छी तरीके से फोड़ लेना है और इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी सारी गुठलियाँ टूट चुकी हैं। इसे 2 मिनट तक इस तरीके से हम फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसे हम ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और आटा हमारा फूल जाएगा, फिर हम मालपुआ बनाएंगे। 20 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और अपने बैटर को चेक करेंगे, इसे फिर से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने काट कर रखे हैं इसे डालेंगे। और इसके अंदर 3 से 4 पिंच हमने बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा से मालपुआ हमारा अच्छे से फूल जाएगा। अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है तो आप इस बैटर को 3 से 4 घंटे पहले भिगा कर रखिए, तभी अच्छी तरीके से फूलेगा। अब इसे हमें एक साइड में इसी तरीके से 2 मिनट तक फेंट लेना है। इसे मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब मालपुआ बनाना शुरू करेंगे और इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है, आप तवा भी ले सकते हैं, ये नॉनस्टिक पैन है, इस पर अच्छी तरीके से बन जाता है। और इसके अंदर डालने के लिए मैंने देसी घी लिया है। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसे हम सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं और इसकी चीनी की चाशनी बनाकर और उसके अंदर इसे डाल सकते हैं, लेकिन आजकल कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा या तेल पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से आप बनाइए तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और घी को हम अच्छी तरीके से फैला देते हैं पैन में। घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम बैटर को डालेंगे और इस तरीके से इसे हम बड़े चम्मच से उठाएंगे। और जितना छोटा या बड़ा आपको मालपुआ बनाना है उस हिसाब से हमें बना लेना है। इसे हम फैला देंगे। और इसे हम 2 मिनट तक मीडियम आंच पर एक साइड में सिकने देंगे। अब 2 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेते हैं और मालपुए को हम पलट करके दूसरे साइड में पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। तो 2 मिनट तक इसे हम और पका लेते हैं। तो 2 मिनट तक दूसरी साइड में इसे हम सेक लेंगे इसी तरीके से। और अच्छा कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे दोनों तरफ से पलट पलट कर हम सेक लेंगे और थोड़ा सा घी इधर साइड से भी हम डाल देंगे।
तरीके से किनारों से ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब हमें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेना है। और आप देख सकते हैं ये मालपुआ हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सीख चुका है और कितना फूल भी गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे मालपुओं को बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे, बैटर को उठाएंगे, इसको सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से बढ़ा लेंगे। इसको हमें बहुत मोटा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है। उसी तरीके से इसे भी हम सेक करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से सारे मालपुए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और ऊपर से थोड़े से पिस्ते से गार्निश कर देते हैं। और हमारा बहुत ही टेस्टी मालपुआ बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है और इसे हम ज़्यादा तेल में फ्राई भी नहीं करते हैं। तो झटपट ये मालपुआ हमारा बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।